ओके किड्स, टुडे वी लर्न अबाउट द स्टोरी द डंकी इन द लॉयंस स्किन। द डंकी इन द लॉयंस स्किन। जो गधा होता है वो किसकी स्किन पहन लेता है? लॉयन की। डंकी किसकी स्किन पहन लेता है? लॉयन की। अदिति आकृति किसकी स्किन पहन लेता है? लॉयन की। कौन पहन लेता है? गधा। एक गधा होता है और वो लॉयन की स्किन को पहन लेता है, उसकी चमड़ी को अपने ऊपर पहन लेता है। तो क्या होता है देखें, वंस अ डंकी केम बाय ए लॉयन स्किन। एक बार एक गधा शेर की खाल को पहन करके आया, मतलब उसकी स्किन को अपनी स्किन के ऊपर लगा करके आया। कौन? डंकी आया। कौन आया? डंकी। ही पुट इट ऑन, उसने इसे अपने ऊपर पहन लिया। रोली क्या किया डंकी ने? लॉयंस की स्किन को अपने ऊपर कवर कर लिया। क्या कर लिया उज्जवल? लॉयन की स्किन को अपने ऊपर पुट ऑन कर लिया, उसको रख लिया या उसको ढक लिया। द एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ हिम, जो जंगल के जानवर थे वो सभी उससे अफ्रेड हो गए। इट मीन्स मन्नत, वो उससे डरने लग गए। क्या हो गए? अफ्रेड, डरने लग गए। कौन डरने लग गए? कौन डरने लग गए? जो जंगल के जानवर थे। जो जंगल के जानवर थे वो उस गधे से डरने लगे। क्यों डरने लगे? क्योंकि उसने शेर की चमड़ी को पहन लिया, शेर की स्किन को अपने ऊपर पहन लिया, इसलिए वो डरने लगे। दे रेन हेयर एंड देयर, वो कभी यहाँ भागते तो कभी वहाँ भागते, यानी कि वो उससे डर गए। क्या हो गए मन्नत? डर गए। और वो उससे छिपते फिरते, कभी इधर छुप जाते कभी उधर छिप जाते। ठीक है। Now the donkey was happy. अब जो डंकी था वो बहुत खुश था। क्या था मन्नत? जो डंकी था वो बहुत खुश था। जो डंकी था वो बहुत खुश था। मानसी क्या हुआ? जो डंकी था उसने लॉयन की स्किन को पहन लिया और फिर वो बहुत खुश हो गया। बहुत। Now the donkey was happy. अब डंकी बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो था तो गधा पर उसने शेर की स्किन को पहन लिया। He grazed the green grass freely in the forest। और वो गधा अब ग्रीन ग्रास को आसानी से खाता जंगल में घूम घूम के। ऐसे ही grazed the green grass freely in the forest, वो फॉरेस्ट में जाता और ग्रीन ग्रास को फ्रीली खाता, आराम से खाता, पेट भर के खाता। वन डे ही ब्रेवड लाउडली, एक दिन वो बहुत तेज चिल्लाया। क्या किया गधे ने? बहुत जोर से चिल्ला दिया, बहुत जोर से चिल्ला दिया अपनी आवाज में। द लॉयन स्किन फेल ऑफ, जो लॉयन की स्किन थी वो क्या हो गई अविराज? नीचे गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि वो जोर से चिल्लाया। क्यों गिर गई? क्योंकि जोर से चिल्लाया। कौन चिल्लाया? डंकी। डंकी जब जोर से चिल्लाया तो लॉयन की जो स्किन थी वो नीचे गिर गई। नाउ द एनिमल्स फाउंड आउट हु इज रियली वाज, अब क्या हुआ? जानवरों ने पाया कि वो असलियत में कौन है, वो उसको पहचान गए। क्यों? क्योंकि उसकी नकली वाली स्किन तो नीचे गिर गई थी जब वो लाउडली चिल्लाया था। दे फेल अपॉन हिम एंड किल्ड हिम, वो उस पर झपट्टे मार करके उसको मार गिराया उन्होंने। उन्होंने क्या किया? दे फेल अपॉन, वो उस पर गिर गए या झपट गए, ऐसे झपट्टा मार दिया। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। ये देखो, ये डंकी था है ना, और इसने इस लॉयन की चमड़ी को पहन लिया। जैसे तुम किसी और का मास्क पहन लेते हो ना, पहनते हो ना, ऐसे जैसे सर्कस में भी दूसरे का ऐसे पूरा ऐसे कॉर्प कर लेते हैं, है ना। कुछ भी बन के आ जाते हैं, जोकर बन के आ जाते हैं, कभी भालू बन के आ जाते हैं, कभी एलिफेंट बन के आ जाते हैं। ऐसे ही ये डंकी था। एक बार फिर से सुने। वंस ए डंकी केम बाय ए लॉयन स्किन, एक बार एक गधा लॉयन की स्किन में आया। एक बार एक गधा
लोएन की स्किन में आया। ही पुट इट ऑन, उसने इसे अपने ऊपर पहना या इसे अपने ऊपर रख लिया। द एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ हिम, सभी एनिमल्स उससे डर गए। दे रेन हेयर एंड देयर, वो यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। नाउ द डंकी वाज हैप्पी, अब जो डंकी था वो बहुत खुश हो गया। ही ग्रेज्ड द ग्रीन ग्रास फ्रीली इन द फॉरेस्ट, और वो ग्रीन ग्रास को आसानी से जंगल में खाने लगा। वन डे ही ब्रेव्ड लाउडली, एक दिन वो जोर से चिल्लाया। द लॉयन स्किन फेल ऑफ, जो लॉयन की स्किन थी वो फेल ऑफ हो गई, गिर गई। नाउ द एनिमल्स फाउंड आउट, अब एनिमल्स ने पाया हु ही रियली वाज, कि वह असलियत में कौन था। दे फेल अपॉन हिम, अब वो उस पर झपट गए या उसके ऊपर चढ़ गए या उसके ऊपर गिर गए। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। मोरल, मोरल क्या मिलती है अविराज, मोरल क्या मिलती है? मोरल मिलती है डोंट डिसीव अदर्स, दूसरों को डिसीव मत दो, यानी कि धोखा मत दो। इससे क्या होता है, आप मारे जाओगे एक दिन, किसके जैसे? इस डंकी के जैसे। इस डंकी ने क्या किया, लोयन की स्किन को पहन लिया, फिर सबको डराना शुरू कर दिया, और डराते डराते जोर से चिल्लाया और स्किन नीचे गिर गई। सभी को असलियत पहचान गई, और असलियत पहचानने के बाद सभी ने मिलकर उसको मार डाला। इसलिए गधे के साथ क्या हुआ, अच्छा नहीं हुआ ना। इसलिए डोंट डिसीव अदर्स, कभी किसी को धोखा मत दो। ओके, कल लर्न करके आएंगे आप? वेरी गुड, थैंक यू।